हेलो नमस्कार हमारे ई बुक के दर्शकों, जितने भी इंजीनियर्स भाई और हमारे जो है कस्टमर्स जो घर पे बैठ के ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सारे प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इंजीनियर उनसे कितना पैसा चार्ज करने वाला है, जो उनके वॉशिंग मशीन या प्रोडक्ट में जो फॉल्ट आ रहा है उस फॉल्ट के बिहाफ पे वो सही पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हमारे इंजीनियर भाई कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं कहीं पे किस एरर में कौन से पार्ट हम रिप्लेस करते हैं, कौन से पार्ट रिप्लेस नहीं करने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ना हम इस वीडियो कंटेंट में जो है आपको दिखाएंगे। इस वीडियो कंटेंट में कोई भी कस्टमर जिसको कभी डाउट रहता है कि क्या जो एक्चुअल उसका जो है रिपेयरिंग कॉस्ट होना चाहिए, या फिर जो है वो जो पार्ट इंजीनियर हमारे घर पे चेंज कर रहा है वो पार्ट सही में ख़राब है कि नहीं ख़राब है, और उसे चेंज करना चाहिए कि नहीं चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम आपको जो है अपडेट करेंगे और इसमें हमारा सपोर्ट करेंगे हमारे ई बक के स्टार ट्रेनर रहमान। और वो हमारे को ये भी बताएंगे जब ये चीज़ रिपेयर कर रहे होंगे कि कोई भी चीज़ फॉल्ट में हमारे को किस किस एरर में क्या क्या हमारे को सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए। ओके, तो हम आपको अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं। आज हमारे ईबग में ये एक वॉशिंग मशीन आई है, ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में 3C1 एक एरर आ रहा था। हमारे कम से कम 2 से 3 इंजीनियर जो है कस्टमर लोकेशन पे गए, लेकिन उस फॉल्ट को वो फाइंड आउट नहीं कर पाए। कई पार्ट पेंडिंग हुए लेकिन उसके बावजूद जो है क्लियर नहीं हो पाया है। 3C1 एरर जो है वो बेसिकली किस चीज़ का एरर है। तो ये मशीन हमारे को कस्टमर लोकेशन से अपने ऑफिस में कॉल बैक करनी पड़ी, मंगानी पड़ी। अब फील्ड में भाई रिपेयर करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे उन इंजीनियर भाई के साथ में ये प्रॉब्लम ना आए, वर्कशॉप में मशीन ना मंगानी पड़े और कस्टमर लोकेशन पे ही उस प्रॉब्लम का समाधान दे पाए हमारे प्यारे कस्टमरों को। तो हम जो है इस चीज़ को इसमें इस अपने कंटेंट में वीडियो में आपको समझाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं हमारे ट्रेनर मिस्टर रहमान जी का, जो कि ये बताएंगे इस मशीन में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम थी और इसको दूर कैसे किया जाए। जी रहमान बताइए। वेलकम बैक ईबक इंडिया। ये एक वॉशिंग मशीन है टॉप लोड, ठीक है। सैमसंग के कुछ अपने पर्टिकुलर डिज़ाइन किए हुए एरर कोड्स हैं, वो आपको उसमें किस तरीके से डायग्नोस मोड लगाते हैं, किस तरीके से डायग्नोस को चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले डिस्प्ले को समझना है कि डिस्प्ले कौन सी किस टाइप की है। इसमें 2 तरीके के आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन में डिस्प्ले मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक वॉश और रिंस का मिल जाएगा। एक्टिव वॉश आपको अलग तरीके से मिलेगा, एक्टिव वॉश हर वॉशिंग मशीन में नहीं आता। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रिंस और पावर स्पिन, ये दोनों बटनों को एक साथ पुश करना है और फिर पावर ऑन का बटन दबाना है। डिस्प्ले की सारी लाइट्स ऑन होंगी, 1888 क्लिक कर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वॉश बटन को एक बार दबाएंगे, दो बार दबाएंगे, तीन बार दबाएंगे, दबाते जाएंगे। यहाँ पर आ गया PST, मतलब प्री स्टार्टअप। तो हम इसमें क्या चलेगा, हमारा वॉश चलेगा, वाटर वॉल्व चेक हो जाएगा, प्रेशर सेंसर चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा दबाएंगे, फिर टेस्ट रन आएगा, इसमें पल्सेटर, मोटर क्लॉक, एंटी क्लॉक रन करेगी। फिर आएगा आपका SPN। अब हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, 3C1 जो एरर था वो पर्टिकुलर चेक करना था। तो हम उसके लिए स्टार्ट का बटन दबाएंगे, स्पिन वाली लाइट ब्लिंक करेगी, मोटर अपने पूरे RPM को कंट्रोल करेगी, फीडबैक लेगी। फीडबैक लेने के बाद वो डिसाइड करेगी कि एरर क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ रहमान जी, तो अब आपको ये बताना है हमारे दर्शकों को कि ये वॉशिंग मशीन हमारे जो इंजीनियर भाई हैं वापस जो है वर्कशॉप में ना मंगाएं। तो सबसे पहले कस्टमर लोकेशन पे वॉशिंग मशीन टेस्ट करने के लिए उन्हें किस पॉइंट से शुरू करना चाहिए। इसमें ये आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, ठीक है। होता क्या है फ्रेंड्स कि हम जाते हैं और वॉशिंग मशीन में सिर्फ ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर ने कहा कि वॉश नहीं चल रहा, हमने उठाया और मोटर खोल दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर हमें वॉशिंग मशीन टॉप लोड है तो हमें डायग्नोसिस मोड पता होने चाहिए। तो मैं आपको इसमें डायग्नोसिस मोड किस तरीके से चालू करते हैं। हाँ रहमान जी, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए और हमारे जो इंजीनियर भाई हैं जो वो देख रहे हैं कि ये फॉल्ट कैसे दूर करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले कस्टमर लोकेशन पे जाके या कस्टमर के घर पे जाके वॉशिंग मशीन इस टाइप के एरर में स्टार्ट टेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। डायरेक्ट जो है वो डेमोस्ट्रेशन मोड पे डाल के या स्टार्ट मोड पे स्टार्ट करें, या फिर जो है पहले उनको कहीं पे जो है प्लग पे करेंट देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए।
तो आपका क्या ओपिनियन है और इसका सही तरीका, रिपेयरिंग का तरीका क्या है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए होता क्या है कि हम लोग जब वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि कस्टमर की बात सुनी जाती है कि कस्टमर ने कहा कि वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, हमने उठा के चेक कर लिया। अगर मेरा पावर ऑन करने के बाद सप्लाई आ रही है तो मुझे वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत जब पड़ेगी जब मैं आगे कोई काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले कस्टमर की बात को समझना है कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या आ रही थी। लाइक इसमें क्या था, 3C1 का जो एरर था वो बार बार आ रहा था, उसकी वजह से कई पार्ट्स कंटिन्यू चेंज हो चुके हैं। सैमसंग का जो 3C1 का एरर है वो कंबाइंड एरर है PCB, मेन PCB का और मोटर का। तो उसमें डिसाइड कैसे करना है कि मोटर ख़राब है या PCB ख़राब है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मुझे ना डायग्नोस मोड इसके अंदर लगाना होगा। वो कैसे लगाते हैं, डायरेक्ट मशीन बिना खोले हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में कौन सा पार्ट ख़राब है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें पहले सबसे पहले एक आपका जो उंगली है उसको रखना पड़ेगा पावर ऑन पे, एक रखना पड़ेगा आपको रिंस और एक रखना पड़ेगा आपको स्पिन पे। ये आप पहले दोनों बटनों को एक साथ ऐसे दबाएंगे और फिर इसको ऑन करेंगे। मैं चाहूँगा एक करके दिखाइए। ठीक है, ये इस तरीके से पूरी डिस्प्ले आएगी, बट आपको इधर से नहीं दिखा होगा तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ये पूरी डिस्प्ले चालू हो चुकी है। ठीक है, A to Z जितनी भी LED लाइट्स हैं इसके अंदर वो सारी जलेंगी। ठीक है, अब जब लाइट्स ऑन हो गई हैं तो हमें क्या करना है कि फंक्शंस वाइज चेक करना है कि कौन सी चीज़ पर कौन सा था। एक्टिव वॉश आप देख रहे होंगे, इसको प्रेस करेंगे डिस्प्ले चेंज होगी। एक बार प्रेस करेंगे दो बार? हाँ, एक बार प्रेस करेंगे तब डिस्प्ले चेंज होगा, दोबारा चेंज करेंगे। ये कुछ एरर कोड्स हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते। फिर हम इसको अगेन, अब यहाँ पर PST लिख कर आएगा। हमने कितनी बार इसको दबाया? ये 5 times हमने वॉश किया है। ओके, पुश किया है 5 times। पुश करने के बाद 5 times जब हम पुश करते हैं ना तो ये वॉश वाली लाइट जलेगी और PST लिख कर आएगा। प्री स्टार्टिंग टेस्ट होगा इसका वॉश पे। इसमें आपका क्या चेक होगा, वाटर वाल्व चेक हो जाएगा। ठीक है, आपका मेन वॉश चेक हो जाएगा। फिर इसको हम अगेन दबाएंगे 6 times तो TST लिख कर आएगा, टेस्ट मोड। इसमें हमारी मोटर वॉश कर रही है क्लॉक एंटी क्लॉक। मोटर राउंडेशन पे नहीं आएगी, रोटेशन पे नहीं आएगी, इसमें सिर्फ इतना बताया जाएगा क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये दो चीज़ें घूमेंगी। इसके बाद हम सिर्फ 7th time दबाएंगे तो SPN लिख कर आएगा। ठीक, जब SPN लिख कर आएगा तो ये स्पिन की लाइट जो मोनोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें इसको टेस्ट करना है, स्टार्ट का बटन दबाएंगे, 00 लिख कर आएगा, दैट इज़ द RPM मोटर कि वो कितने RPM लेगी। अब ये पहले कमांड देगी अपनी मोटर को, PCB रीड करेगा उसका हॉल सेंसर, उसकी मार्किंग, उसके RPM। जब वो पूरा फीडबैक पूरा रिटर्न वापस आ जाएगा उसके बाद ये मोटर को स्टार्ट करेगी। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर 3C1 का एरर शो होने लगेगा। रेमन जी यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे 3C1 एरर आ गया है और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो आपने अभी यहाँ डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया, टोटल 7 times आपने केवल एक्टिव वॉश बटन दबाया हुआ है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं दबाया हुआ है, उसके बाद में केवल स्टार्ट बटन दबाया हुआ है, जिसके बाद में 3C1 एरर आ गया है। अब इस एरर के बाद में हम कैसे चेक करेंगे, जैसे आपने पहले बताया कि इसमें PCB भी खराब हो सकती है और इसमें जो है हमारी मोटर भी खराब हो सकती है, तो अब इंजीनियर कस्टमर लोकेशन पे ये कैसे समझ पाएगा कि इसमें PCB ही खराब है या इसमें मोटर खराब है? अब इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि 3C1 एरर है, तो 3C1 एरर को कंफर्म करने के लिए कि एक्चुअल मोटर का है या PCB का है, तो हमें सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करनी होगी PCB पे कि मोटर के PCB से मोटर पे सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पूरा बैक कवर खोलना होगा। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब क्या है कि हमने इसको बैक कवर ये ओपन कर लिया PCB का। ठीक है, अब हम इसमें PCB को ओपन करेंगे और इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं PCB। अब इसमें क्या है कि एक ये लाइट ग्रीन वाली जो है ना ये ब्लिंक कर रही है, बट पूरी तरीके से ये कह रही है कि मेरी तरफ से सप्लाई आउट है। ठीक, इसने सप्लाई पूरी निकाल रखी है मोटर के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीमीटर है, एक क्लब मीटर, इसमें हम वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये हम अभी रहमान जी किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ये वोल्टेज? ये हम सप्लाई चेक कर रहे हैं कि पूरी प्रॉपर PCB से ड्रॉ आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितनी सप्लाई देती है ये? 220 volts से निकालेंगे। ओके,
220 वोल्ट की सप्लाई हम पीसीबी पे, हम यहाँ से पीसीबी को ऑन करेंगे, ठीक है, और ये आपका वोल्टेज यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गए, ये 228 229 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरा काम बचता है, मैं यहाँ से पीसीबी को फिर ब्लॉक बंद करूँगा इसका, और अब हम यहाँ से बैक कवर खोलेंगे, मोटर को चेक करेंगे प्रॉपर मोटर किस तरीके से है और उसकी कंडीशन मोटर की किस टाइप से है। इस पीसीबी में एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि इसमें जो मोटर पे सप्लाई जा रही है वो कितने वोल्ट जाती है? वो 110 वोल्ट जाती है आपकी। अच्छा। और वो अभी इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि पीसीबी से हॉल सेंसर से सप्लाई वापस नहीं आई है। अच्छा। जब तक हॉल सेंसर से वापस नहीं आएगी पीसीबी मोटर को सप्लाई देगी ही नहीं। अगर अभी हम इस चेक पे नहीं चेक कर सकते क्योंकि जब तक अगर वो एरर है तब तक वो सप्लाई ड्रॉप आउट करता रहेगा। पीसीबी अगर उसने सप्लाई दे दी तो फिर एरर का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए हॉल सेंसर पहले सप्लाई को चेक करेगा, अगर मोटर पूरी तरीके से ठीक होगी तो वो एरर नहीं देगा, मतलब और वो सप्लाई को ड्रॉप आगे के लिए छोड़ देगा। दोस्तों मतलब कहने का जो हमारे रहमान जी हैं उनका मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे 220 वोल्ट वोल्टेज चेक करने के बाद में अगर पीसीबी से सप्लाई दे रही है तो उसके बाद सीधा मोटर सेगमेंट में जाके चेक करेंगे। इसमें कोई जो है जो आपने लाइट तो बताई जो ग्रीन कलर की जल रही है रेड कलर की जल रही है ये भी कोई एरर कोड का नहीं नहीं ये एक्चुअल जो ग्रीन वाली लाइट है वो पीसीबी का पूरा फंक्शंस बताती है कि पूरी पीसीबी जो है पूरी तरीके से रन है। और रेड लाइट जो ब्लिंक करती है वो रेड लाइट ब्लिंक इसलिए करती है कि कभी कभार कोई चीज़ इंडिकेट कर रही है जैसे इसका 3C1 का एरर आ रहा है तो वो लाइट इसलिए ब्लिंक कर रही है क्योंकि वो मोटर का जो हॉल सेंसर है वो हॉल सेंसर इसको पूरी फीडबैक वापस दे ही नहीं रहा। अच्छा। तो उस फीडबैक के दौरान अब अगर मैं वोल्टेज भी चेक करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे मोटर के पास जाना पड़ेगा और मोटर खोल के चेक करनी पड़ेगी। अगर मतलब वो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है जी, इट मींस मोटर फॉल्टी हो सकती है, हम तुरंत जो है 220 वोल्ट चेक करने के बाद में वहाँ फिर मोटर से मोटर सेगमेंट चेक, वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए मुझे बैक कवर खोलना पड़ेगा और मशीन को थोड़ा सा लटालना पड़ेगा। तो अब हमें क्या है कि मोटर खोलने के लिए ये गोटी टी शर्ट चाहिए होगा, 17 नंबर की इसमें लगती है गोटी, इसको सेट करेंगे और उसको यहाँ से ओपन करेंगे। रहमान ये जो खोल रहे हैं यही मोटर है जो हाँ जी चेक करने जा रहे हैं? ये BLDC मोटर है, ब्रशलेस डायरेक्ट ड्राइव करंट। अच्छा। ठीक है, तो इसको पहले हम देखते थे वॉशिंग मशीन में ना ये कुछ अलग तरीके की मोटरें आती थी जिसका जो चौड़े बेस होती थी वो एक्चुअली AC करंट में हुआ करती थी और वो इंडक्शन मोटर हुआ करती थी। ये BLDC मोटर है, इसमें डायरेक्ट जो करंट है वो है और ये ब्रशलेस है। अभी मैं जैसे आपको खोल के दिखाता हूँ उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब मैं इस डोम को आराम से बाहर निकालूंगा, ये मैग्नेटेड डोम होता है। ओके। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ मैग्नेट्स हैं इसमें, जैसे अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें 6 पोल हैं टोटल। ठीक है, और ये इसकी वाइंडिंग है पूरा, ये आपका मैग्नेट पूरा डोम है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें रोटर नहीं है। ठीक है, अब हमें जिस चीज़ को पर्टिकुलर घुमाना है उसी चीज़ को हमने रोटर को यहाँ सेट किया हुआ, जैसे इसको घुमाना था हमें, आप देख पा रहे होंगे इसको। तो ये मोटर जो है रहमान जी ये अपनी मतलब जो आपने पोल्स के बारे में बताए ये जो आपने पहले पीसीबी खोली थी इसी से ही रोटेट होती है कि कोई एक्स्ट्रा पीसीबी? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट होती है इसमें, इसकी सिर्फ फीडबैक के लिए इसमें एक पीसीबी छोटी सी और लगती है जिसे हम हॉल सेंसर भी बोलते हैं। अच्छा। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, छोटा इसके लिए मेरे को टी लेनी होगी, तो एक सेकेंड उसके लिए मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। ये आपकी ओपन हो गई। ठीक है, और इसको ओपन करने के बाद मुझे थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें वायरिंग होती है तो मुझे इसको हिसाब से निकालना होगा। यहाँ से मैं इसकी वायरिंग ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि इसकी मोटर में 3C1 का एरर पीसीबी वॉशिंग मशीन में, तो इसका हॉल सेंसर पहले से गायब है, ये हॉल सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो मोटर अपना फीडबैक नहीं दे पाएगी, और जब मोटर फीडबैक नहीं देगी तो मोटर पर सप्लाई नहीं आएगी, ये इसकी पूरी वाइंडिंग कॉल है। ठीक है, अब ये पहले क्या था कि
क्लच आया करती थी, एक बेल्ट आया करती थी, उसके ऊपर एक मोटर थी, मोटर के ऊपर एक पुली थी। वो सारा सिस्टम ख़त्म करके इंडक्शन मोटर को हटाकर बी बेल्ट को लैस कर दिया गया। बी बेल्ट यहाँ से हटा दी गई, ठीक है, एक पुली थी वो हटा दी गई। अब डायरेक्टली इन्होंने क्या किया, क्लच को ही इसमें रोटर बना दिया और ये इसका बार्सल इसको इस तरीके से सेट करके जब भी यहाँ से क्लच काम करेगा तो ये ऊपर आएगा, ठीक है, और ये नीचे जाएगा। पूरा मोटर काम करती है इसको, ठीक है, इसी तरीके से मोटर काम करती है। अभी आपकी BLDC मोटर है, ठीक है, इसमें एक आपका हॉल सेंसर नहीं है, एक वायरिंग मिसिंग चल रही थी, ठीक है। तो ये वायरिंग के साथ में मैं इसको नई मोटर कैसे बदलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं नई मोटर बदलने के लिए नई मोटर का इस्तेमाल करूँगा और इसको मैं साइड से कर देता हूँ। इसको रखते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाथ मैग्नेट के बीच में ना आए, वरना लगने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो मैं नई मोटर आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक नई मोटर है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये सैमसंग की ओरिजिनल मोटर है मेरे पास, ठीक है। इसमें आप ये देख पा रहे हैं ब्लैक वाला पोर्शन, ये हॉल सेंसर है। ये PCB की रोटेशंस पता, मोटर की रोटेशंस पता करता है कि कितनी रोटेशन पे जाना है। जब तक ये क्लियरिफाई नहीं करेगा तब तक यहाँ पर सप्लाई नहीं आती है। देखिए ये वाले पॉइंट से यहाँ पे ये जो सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये मिसिंग है इस पुरानी मशीन मोटर में जो लगी हुई थी, और इस वाली मोटर में ये सेंसर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो हमारी एरर PC1 एरर आ रही थी ये इसका जो है मेन रीज़न था। रहमान जी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे जी, क्या ये केवल सेंसर मार्केट में बाहर कहीं से मिल नहीं है? ये अवेलेबिलिटी इसलिए नहीं होगी इसकी, क्योंकि जो भी सेंसर इसमें लगेगा वो आपके PCB से मैच करने के बाद ही लगेगा और वो सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, एक चीज और हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या मोटर की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आने के बाद भी यही एरर आ सकती है कि अगर वाइंडिंग शॉर्ट है तो आएगी? अच्छा, अगर वाइंडिंग शॉर्ट होगी तो आएगी, या वाइंडिंग किसी भी तरीके से टूट जाती है या किसी भी तरीके से डैमेज होती है तो ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसका काम ही यही है कि पूरी वाइंडिंग को रीचेक करके PCB को कंफर्म करना, और PCB इसके बाद सप्लाई देती है। अच्छा, तो वाइंडिंग के खराब होने के चांसेस मोटर में कम होते हैं जी, इसमें सेंसर ही प्रॉब्लम जी जी है। इसमें सेंसर का ही इशू आता है। अच्छा। और 3C1 का एरर है या 3C का एरर है या 3C2 का एरर है तो वो भी इसी से सारे रिलेटेड आएंगे। एक एरर नहीं है इसका कि सिर्फ 3C1 को ही पर्टिकुलर हम बोल दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आप लोग ये ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास में आपकी वॉशिंग मशीन में BLDC मोटर लगी हुई है कहीं पे, तो कोशिश करिए उसको मार्केट से रिपेयर कराने की बजाय अपने इंजीनियर या जो आपने टेक्नीशियन या जो कारीगर बुलाया हुआ है उससे बोलिए नई मोटर ही लगाएं, क्योंकि सेंसर हर समय PCB को सही कमांड दे पाएगा, रिपेयरिंग के बाद की नहीं, ये संभव नहीं है। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो रिपेयरिंग में अगर आप मार्केट से रिपेयर करा रहे हैं और आप रिपेयर मोटर रिपेयर करा रहे हैं, नई रिप्लेस नहीं करा रहे हैं, तो आपको सेम फॉल्ट जो है आगे जो है उसमें फेस करना पड़ सकता है। हाँ, तो इसका ना पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि 3C1 का ही एरर इसी का हो, इसमें 3C भी आ सकता है, 3C1 भी आ सकता है, 3C2 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना कुछ वाइंडिंग्स के रिलेटेड हैं, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, कुछ रोटेशन से रिलेटेड हैं, तो ये सारे एरर हमें जस्टिफाई करते हैं। ये हॉल सेंसर ही जस्टिफाई करा पाएगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हॉल सेंसर था ही नहीं तो PCB पे सप्लाई नहीं जा रही है, तो PCB कह रही है कि मेरे तरफ से काम हो रहा है, मोटर कह रही है मेरे तरफ से काम हो रहा है, बट एक्चुअली बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बन रहे थे इसकी वजह से 3C1 आया, क्योंकि PCB और मोटर दोनों का कंबाइंड है, तो उसकी नज़र में वो काम नहीं कर रहा और इसकी नज़र में वो काम नहीं कर रहा। रहमान जी एक चीज़ फिर ये भी जो हमारे दर्शकों को एक लिस्ट जो है आप शेयर कर दीजिएगा कि मोटर से रिलेटेड अगर किसी, हाँ उसके लिए श्योर है कि उसके लिए मैं आपको अभी अब नीचे स्क्रीन पे आपके आते रहेंगे जो मोटर से रिलेटेड एरर है वो मैं आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा, वो आप देखते रहिएगा फिर। ठीक है, ओके। तो अब ये मोटर जो है आप इस वॉशिंग मशीन में लगाइए जी, मैं ये 3C1 एरर के जो प्रॉब्लम है हमारे जो कस्टमर है उनकी दूर हो जी। मैं अब अभी आपको बिल्कुल नई न्यू मोटर है, ठीक है, मैं इसको फिट करके दिखाऊंगा। दूसरा सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको लगाने का तरीका। लगाने में क्या होता है, कुछ लोग है ना इसमें स्क्रू ड्राइवर फंसाते हैं। स्क्रू ड्राइवर फंसाना कोई गलत नहीं है, बट स्क्रू ड्राइवर फंसाने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर रखने के लिए बनाया हुआ है होल, स्पेशली ये आप होल देख ना तो इसको आराम से उसमें फंसा सकते हैं,
बट क्या होता है कुछ लोग गलत तरीके से फंसाते हैं जिसकी वजह से वाइंडिंग और डैमेज हो जाती है, तो हमें वाइंडिंग का भी ख्याल रखना है। तो अब मैं नई मोटर आपके सामने फिट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ देखते रहिए। सबसे पहले मुझे इसके कनेक्शन करने कि जो कनेक्शन इसके वायरिंग के हैं वो मैं कर देता हूँ। इस मोटर को लगाते समय ध्यान रखिएगा जो स्क्रूज आप देख रहे हैं इन स्क्रूज को है ना क्रॉस में कसना है। क्रॉस में कसने की वजह है कि मोटर का डिसबैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे कसते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारी मोटर फिक्स हो गई है, वायरिंग के जैक मैंने लगा दिए हैं दोनों, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि मुझे डोम फिट करना है, तो डोम फिट करने के लिए हमें डोम को इस तरीके से पकड़ना है, कभी ऐसे नहीं पकड़ना है। अगर इस तरीके से पकड़ेंगे तो उंगलियां दबने के चांसेस है, तो उसको इस तरीके से पकड़ना है और सिंपली इसको फिट करना है। ये ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा और इसके साथ में जो शॉफ्ट है उसको फंसाना है। ठीक है, ये फंस जाएगा तो पूरा प्रॉपर एक बार घूम के भी दिखा सकता है इसको। फिर ये बार्सल लगाना है, मोटर का नट लगाना है, सिंपली इसको टाइट कर लो। अब हम इसको चला के देखते हैं कि जो हमारा एरर आ रहा था पर्टिकुलर 3C1 का, क्या वो एरर अब गया या नहीं गया। तो हम उसको पूरा प्रॉपर चला के देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें मशीन को खड़ा करना होगा, करते हैं और फिर चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी मोटर चेंज कर दी है, जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट कर दी है, ठीक है। तो रहमान जी, जो अभी हमारे कस्टमर इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे 3C1 एरर की जी, तो अब दिखाइए जब हमने मोटर चेंज कर दी है। वही सेम प्रोसेस रखना है डायग्नोसिस मोड के लिए। रिंस और पावर स्पिन को आपको बटन को दबाना है और पावर ऑन करना है, सारी लाइट्स ऑन होंगी। अगेन वही एक्टिव वॉश वाला बटन 7 times, ठीक है, और फिर स्टार्ट का बटन। अब जो 00 लिख कर आ रहे हैं ये क्या है कि ये हॉल सेंसर के द्वारा पीसीबी के पास भेजी गई कमांड है और आरपीएम को रोटेशन करके बताएगा। 34, 35 आप देख रहे हैं पूरा चेंज हो रहा है, 90, 110, 140, ये मोटर का रोटेशन है, मोटर रोटेट कर रही है। अगर ये देख रहे हैं आवाज़ भी थोड़ी बहुत महसूस हो रही होगी आपको कि आवाज़ आ रही है। ओके, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3C1 की एरर दूर हो गई है और ये वॉशिंग मशीन अब शायद पूरी तरीके से काम करने के लायक हो गई है जी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से पार्ट रिप्लेस करने चाहिए। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए ईबग इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको फॉलो करें। थैंक यू।